सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे आपका स्टेटस ब्लैंक क्यों है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बराबर कमेंट कर रहे हैं, वो एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर हमको बताइए मेरा स्टेटस ब्लैंक क्यों है। दोस्तों यहां पे हमने पिछले भी वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बट छात्रों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और छात्र एक ही चीज़ पे यहाँ पे अड़े हुए हैं कि मेरा ब्लैंक क्यों आ रहा है, मेरा अब तो छात्रवृत्ति नहीं आएगा। छात्र ये भी अब कमेंट करने लगे हैं, ब्लैंक है तो मतलब मेरा छात्रवृत्ति अब नहीं आएगा। सो आप लोगों को बताएंगे पूरा आपका छात्रवृत्ति आएगा कि नहीं आएगा और ब्लैंक क्यों है, इससे क्या रिलेटिव है, तो हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे। सो आप लोगों ने अभी तक जो चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरी होम स्क्रीन पे अब बात करेंगे, आप लोग देख सकते हो स्टेटस आप लोगों का ब्लैंक क्यों है। एक्चुअली ये आप लोगों को बता दें, आप लोगों को सीरियसली हम ऑनेस्टली बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम आप लोगों को टेबल आंसर देने वाले हैं। एक्चुअली ये ब्लैंक जो है आप लोगों को बता दूँ, ये वेबसाइट का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मतलब कि आप लोगों को बता दूं आपकी गवर्नमेंट जो यूपी स्कॉलरशिप देती है समाज कल्याण, तो समाज कल्याण के पास ये डाटा उपलब्ध होता है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं जब भी आपका बजट बचा होगा उनको छात्रवृत्ति अगर जो आपको देना है समाज कल्याण को, तो वे लोग क्या देखेंगे आपका डाटा स्टेटस उनके यहाँ पे। आप लोगों को बता दें जो सिस्टम होता है उसमें डाटा फीड होता है, वो सिस्टम का डाटा उनके पास मौजूद होता है। ठीक है, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो वेबसाइट से, ठीक है, और वेबसाइट वाली प्रॉब्लम और समाज कल्याण के पास जो डाटा है उसमें जो अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो समाज कल्याण है वो डाटा उनके पास तो है, अगर जो उनके आप लोगों की छात्रवृत्ति देना होगा समाज कल्याण को तो उससे वो आपका डाटा देख के आपको दे देंगे छात्रवृत्ति, भले आपका यहाँ पे जो वेबसाइट है PFMSP उस पर आप लोगों का डाटा ना शो हुआ हो और आप लोग का स्टेटस ना शो हो रहा हो, आपका ब्लैंक आ रहा है, आप जब स्टेटस चेक करते हो उससे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को छात्रवृत्ति नहीं रोकेगी, हम आप लोगों को क्लियरली बता दें। आप लोग सोचो ब्लैंक हो गया तो मेरा छात्रवृत्ति नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा अगर जो आना होगा। ठीक है, सीरियसली हम बताएंगे, अगर जो आपकी छात्रवृत्ति आनी होगी तो आएगी, अगर जो उनको 15 अप्रैल तक आप लोगों की आनी है तो आ जाएगी, अगर जो नहीं आती है तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अच्छे से अपना फॉर्म भरना होगा। देखो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दूँ, बहुत यहाँ पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम गंभीर होती जा रही है आपकी छात्रवृत्ति को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है इसको देखा नहीं जा रहा, लेकिन कोई यहाँ पे सॉलिड कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई भी सरकार सॉलिड कदम नहीं उठा रही छात्रवृत्ति छात्रों की देने के लिए। पिछली बार क्या था, बहुत सारे जो छात्र थे वे CM ऑफिस में गए थे लखनऊ में, तो वहाँ पे धरना किया था, तो ये जो छात्रवृत्ति है फिर बांटी गई थी। तो ऐसा कुछ इस बार भी हमको लगता है करना पड़ेगा, ये बहुत ही आप लोगों का काम जरूरी है, हम आप लोगों को सीरियसली बताएंगे, क्लियर बताएंगे। आप अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट मित्रगण कृपया धरना करें, CM ऑफिस में जाएँ, एकता बनाए, क्योंकि जब आप सब कुछ होगा तो होगा आप लोगों की एकता से होगा। ठीक है, ये आप लोगों को अवश्य काम करना है दोस्तों। ठीक है, और मेरी कोई भी मदद मैं कर सकूंगा, बिल्कुल करूंगा आप लोगों की, अगर जो आप लोग ग्रुप बनाते हो, आप लोग पूरा एक इसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, छात्रों को यहाँ पर मैसेज करके बुलाते हो और एक टीम बनाते हो धरना प्रदर्शन की, तो आप लोगों की छात्रवृत्ति तय है, वो भी आप लोगों को जाना का है CM ऑफिस में। ठीक है, क्योंकि ट्वीट से आप लोग ट्वीट कर रहे हो तो उससे कोई भी सॉलिड कदम नहीं निकल के आ रहा है कि आप लोगों की छात्रवृत्ति आनी चाहिए या आएगी। ठीक है, तो आई होप ये ब्लैंक था, आप लोगों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी छात्रवृत्ति आएगी और आप अगर जो आप लोगों का स्टेटस उनके पास है 100% है, आप लोग सोचो ब्लैंक है तो मेरा नहीं आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की छात्रवृत्ति बजट नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग जो बातें हैं वो समझ रहे हैं जिनका ब्लैंक क्यों है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ चुका, चैनल को सब्सक्राइब करने और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।